हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारा बर्थ चार्ट के हिसाब से हम कैसे, कौन सा ऋषि हमारे साथ जुड़े हैं उसको कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम बर्थ की बात करते हैं, जब हम एक इंसान का, इंसान या कोई भी चीज का बर्थ की बात करते हैं, देर हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, हर इंसान के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज गिवन और ब्लेस्ड बाय ए सर्टेन ऋषि। तो वो चीज को हम कैसे बार चार से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, भाद्रव मास का, भाद्रव का जो महीना होता है, बहुत ही हम रिचुअल, बहुत सारा रिचुअल इसमें आता है। जैसे कि तृतीया तिथि, शुक्ल तृतीया में हम बाली तृतीया करते हैं। बाली तृतीया में जो मेरिड वुमेन्स हैं, या जो 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 लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है, वो अच्छा वर के लिए बाली तृतीया का व्रत रखती है। ठीक है, मेरिड वुमेन करती है अच्छा मेरिड लाइफ के लिए, अच्छा फैमिली लाइफ के लिए। उसका चतुर्थी वाला तिथि वो विनायक चतुर्थी है, वो उसमें हम अपना लाइफ में जो भी विघ्न आता है, अपना लाइफ में जो भी ऑब्स्टकल है, ऑब्स्टकल्स है, उसको दूर करने के लिए हम गणेश जी की साधना करते हैं। फिर आता है ऋषि पंचमी, पंचमी का तिथि में हम ऋषियों को मेडिटेट करते हैं। हमारा चार्ट के साथ जो ऋषि लिंक्ड है उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि नॉर्मली जो औरत लोग होती है, उन लोग अपने लाइफ में अगर कुछ गलतियां की हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और किसी भी वजह से, उनका लाइफ में दे आर नॉट एबल टू कीप द धर्म, कीप द व्हाट यू कैन से, जो उनको करना चाहिए वो अगर कर नहीं सकते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत पालन करती है। ठीक है, तो मेन चीज है ऋषि पंचमी के दिन, इट इज द राइट डे, जो आपका बार चार्ट के साथ जो ऋषि लिंक्ड है, वो ऋषि को पूजा करने का और मेडिटेट करने का ये सबसे अच्छा दिन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली बार चार्ट में जो हमारा ऋषि निकालते हैं, कौन सा ऋषि, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, हर एक प्लैनेट या हर एक मंत्र, इवन इन मंत्रास, मंत्र शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसी का ऋषि, छंद, देवता, ये तीन हमेशा आप देखोगे मंत्र में। जैसे कि ओम, अगर शिव जी का पूजा कर रहे हो, ओम शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि, ऋषि का पोजीशन ये सहस्रार चक्र है, हमारा ऊपर जो यहाँ पर सहस्रार चक्र है, यहाँ पर सब ऋषि बैठे हैं। तो हम जब ऋषि की बात करते हैं तो वामदेव ऋषि, ऋषि आपका सहस्रार चक्र में है, तो वामदेव ऋषि, पंक्ति छंद, ईश्वर देवता, तो देव ऋषि आपका हेड के ऊपर है। छंद के लिए हम अपना जो, माने जो माउथ का यूज करते हैं, और देवता हमारा हार्ट में है। ये प्रोसेस होता है हर कोई मंत्र का। उसके बाद बीज किलक, हर एक मंत्र का एक बीजाक्षर होता है, एक शक्ति होता है, एंड किलक होता है। ये छह चीज मंत्र का होता है, ऋषि, देन छंदा, देन देवता, देन बीज, देन शक्ति, देन किलक, ये छह चीज हर एक मंत्र का होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम ऋषि की बात करते हैं, हर मंत्र का एक ऋषि है, हर मंत्र कोई एक ऋषि की वजह से दुनिया में आया है या मैनिफेस्टेशन हुआ है। तो हमारा जो भी पूजा करते हैं, जब हम वो ऋषि को याद करते हैं, हम वो जो हमारा जो सहस्रार चक्र है, वहां पर वो ऋषि बैठे हैं, हम मेडिटेट करते हैं वहां पर। वामदेव ऋषि, पंक्ति छंद, ईश्वर देवता, सदा शिव पूजा कर्मणि विनियोग। ठीक है, तो यहां पर जो चीज है, ऋषि हमारा सहस्रार चक्र में है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ऋषि के ऊपर, आप हेड के ऊपर वो ऋषि बैठे हैं, उसी तरह आपको मेडिटेट करना है। कभी कभी हाथ ऐसे रख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऋषि बार चार्ट में कहां से निकालना है, आप देखिए, जो 12th हाउस होता है चार्ट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, बिकॉज आप 12th हाउस में आप सोते हो। ठीक है, एंड 12th हाउस आपको रिजुविनेट करता है,
वो आपको हेल्प करता है, जो जो चीज आप दिन भर काम करके खोए हो उसको वापस लाने के लिए वो हेल्प करता है, रिज्यूवनेट करता है। ठीक है, 12th हाउस अगेन इट इज कनेक्टेड विथ मेडिटेशन। ठीक है, 12th हाउस आल्सो कनेक्टेड विथ मेडिटेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12th हाउस जो हमको रिज्यूवनेट करता है वो हाउस के साथ ऋषि भी लिंक्ड है, क्योंकि वो हाउस हम मेडिटेट भी करते हैं। ठीक है, जो मेडिटेशन क्यों करते हैं, बिकॉज इन आवर लाइफ वी आर हियर टू, वो हम कुछ ऋण चुकाने के लिए इधर आए हैं, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण को चुकाने के लिए हम लोग को मेडिटेट करना है। तो सबसे अच्छा है हम लोगों का बार चार्ट है जो, उसका 12th हाउस देखिए, क्योंकि 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज विथ रेस्पेक्ट टू ऋषिस। ठीक है, एंड मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आप कॉस्मिक इंसाइट, ये कॉस्मिक इंसाइट का जो वेब पेज है वहां पर अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। पंडित संजय रथ अपने स्टूडेंट को ये सब चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वेब से शेयर कर रहा हूँ, और कॉस्मिक इनसाइट का वो जो वेबसाइट है वहां से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कनेक्टेड टू दैट ऋषि। अगर मान लीजिए किसी का सन है, ठीक है, सन होगा तो काश्यप ऋषि, सन है तो वो ऋषि का नाम है काश्यप ऋषि। मून है, मून है तो अत्रि ऋषि, अत्रेय, अत्रि ऋषि। ठीक है, मार्स, मार्स है तो कर्तु ऋषि, ऋषि जो है वो है कर्तु, के ए आर टी, कर्तु ऋषि। ठीक है, मर्क्यूरी है देन इट इज पुलस्त्य, मर्क्यूरी का पुलस्त्य, जुपिटर का अंगिरास, जुपिटर का अंगिरास, देन शुक्र, शुक्र के लिए भृगु ऋषि, भृगु, शुक्र का भृगु ऋषि, सेटन, सेटन के लिए वैशिष्ठ, वैशिष्ठ ऋषि, देन राहु के लिए पुलह, पुलस्त्य हो गया था मर्क्यूरी के लिए, राहु के लिए पुलह, एंड फाइनली केतु के लिए नारद। ठीक है, तो ये हो गया ऋषिस, दीज ऋषिस आर कनेक्टेड टू दीज प्लैनेट्स। तो आप देखिए आपका 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, अगर कोई प्लैनेट है तो दैट प्लैनेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऋषि, दैट प्लैनेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऋषि। अगर कोई प्लैनेट नहीं है देन आप देखिए कौन सा प्लैनेट एक्सपेक्ट कर, एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा है देन लॉर्ड को ले लीजिए, सिंपल सा चीज है, प्लैनेट प्रेजेंट देन एस्पेक्ट, इफ नथिंग इज देयर देन टेक द लॉर्ड। तो ये सिंपल थ्री स्टेप आपको फॉलो करना है। देखिए ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट में कैप्रिकॉर्न का एसेंडेंट है, 12th हाउस में सजिटेरियस में मून इज विथ केतु। देखिए मून केतु का जब कंजक्शन होता है एंड सजिटेरियस साइन में, अगर देखो कि केतु अपना एक्जोल्टेशन में है, सजिटेरियस में केतु एक्जोल्टेशन में है तो केतु का डिग्निटी ज्यादा है, नहीं तो मून भी उधर है। अगर डिग्री की बात करेंगे तो मून का डिग्री केतु से थोड़ा आगे है, बट केतु का डिग्निटी ज्यादा है। तो ये नेटिव को हम बोल सकते हैं ही और सी कैन मेडिटेट ऑन नारद और अत्रि मुनि। ठीक है, नारद और अत्रि मुनि। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है, अब देखिए मेडिटेशन का मतलब है आप वो ऋषि के बारे में ध्यान ध्यान कीजिए, ध्यान के करने का मतलब है उनके बारे में पढ़िए। ठीक है, उनका अगर कुछ लिटरेचर अवेलेबल है जैसे कि नारद पुराण, तो आप नारद पुराण को उस टाइम में पढ़ सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द इनसाइट ऑफ द नारद ऋषि। और जैसे कि ध्रुव, ध्रुव का नारद का उपदेश जो नारायण द्वादश अक्षरी मंत्र है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाला मंत्र को मेडिटेट कर सकते हैं। नारद जिनका ऋषि है, मतलब केतु किसी का 12th हाउस में है, तो बस सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र है, ये नारद मुनि का उपदेश था ध्रुव ध्रुव महाराज के लिए, तो हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। वी कैन डू दिस 12 साइबर मंत्रा, वी कैन मेडिटेट नारद इन आवर फोर हेड एंड वी कैन डू दिस मंत्रा। जैसे कि मैं बताया मून अत्रि मुनि, देन वी कैन मेडिटेट ऑन ओम। अत्रि मुनि के लिए हम ओम के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये ऋषि का जो ऋण हम खाली चुका सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो उसके लिए आप अपना सहस्रार चक्र में, यहां पर ऋषि बैठे हैं, देन वी कैन मेडिटेट ऑन दिस सहस्रार चक्र। ओके, रिमेंबर दैट ऋषि, जैसे कि मैं आपको बताया नारद, सो वी कैन मेडिटेट ऑन नारद, वी कैन मेडिटेट द फॉर्म ऑफ नारद। नारद इज द मानस पुत्र ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है। सो वी कैन मेडिटेट ऑन नारद एंड इट इज बिलीव्ड दैट इफ वी मेडिटेट ऑन नारद, नारद विल कम एंड गाइड यू। एनी ऋषि, सप्तर्षि आर सिटिंग ऑन द सहस्रार चक्र, ऑल ऋषिस आर सिटिंग ऑन द सहस्रार चक्र, वंस यू स्टार्ट मेडिटेशन दे विल गाइड यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप डिवाइन गाइडेंस चाहते हो, टेक द गाइडेंस ऑफ ऋषिस, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट डिवाइन, अल्टीमेट डिवाइन डिवाइन पर्सन्स हु आर गाइडिंग अस। सो फ्रेंड्स, आप अपना 12th हाउस देखिए, कोई प्लैनेट है तो मैं जैसे बताया सन के लिए कश्यप, मून के लिए अत्रि, मार्स के लिए कर्तृ, मर्क्यूरी के लिए पुलस्त्य, जुपिटर के लिए अंगिरास, वेनस के लिए भृगु, सेटन के लिए वैशिष्ठ एंड राहु के लिए पुलह एंड केतु के लिए नारद। ये जो ऋषियों से आपका जो भी प्लैनेट है आप उससे चूज कीजिए। अगर दो प्लैनेट है तो स्ट्रेंथ देखिए किसका अच्छा है, तो वो प्लैनेट का चूज कीजिए। अदरवाइज यू कैन मेडिटेट ऑन बोथ, माने दो प्लैनेट है तो दोनों को मेडिटेट कर सकते हैं। वहां पर अगर देखेंगे जिसका डिग्री ज्यादा है आप उसके ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हो। डिग्री ज्यादा मतलब ही इज ऑन द हायर साइड, ठीक है, बिकॉज सबसे अच्छा ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट आत्मा कारक होता है। तो अगर तीन दो प्लैनेट मिलके एक जगह पे है, जो द प्लैनेट व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज द प्लैनेट हु इज हैविंग ए मेजर से, तो उसको चूज कर सकते हैं। नहीं तो कोई प्लैनेट एक्जोल्टेशन में है या कोई प्लैनेट अपना मूल त्रिकोण में है तो वो वाला चीज को भी आप देख सकते हो। जुपिटर का एस्पेक्ट किसी कहीं पर है, देन दैट ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ टू दैट प्लैनेट, ठीक है। तो इसी तरह आप 12th हाउस को यूज करके आपका चार्ट के हिसाब से ऋषि निकाल सकते हैं, वो ऋषि को मेडिटेट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा दिन है जो ऋषि पंचमी का दिन है, भाद्र महीने का शुक्ल पंचमी तिथि इज कॉल्ड एज ऋषि पंचमी, वो दिन हम वो प्लैनेट को मेडिटेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।